शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में बीती रात चुनावी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठियों से जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में एक महिला और एक पुरुष घायल हुए हैं, साथ ही एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। बदरवास थाना क्षेत्र के बड़खेरा खुर्द के रहने वाले रामकृष्ण धाकड़ ने बताया कि बीते कुछ महीने पहले पंचायत चुनाव में बड़खेरा खुर्द पंचायत से तोरण सिंह धाकड़ और पवन धाकड़ सरपंची का चुनाव लड़े थे, जिसमें उसके परिवार के द्वारा तोरण सिंह धाकड़ के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था। इस पंचायत चुनाव में उसके सहयोगी तोरण सिंह धाकड़ ने चुनाव को जीत लिया था। इसी बात को लेकर पवन धाकड़ उससे व उसके परिवार से रंजिश रखने लगा था। चुनावी रंजिशन के चलते घर में घुसकर हमला किया। सोते वक्त घर में घुसकर बोला हमला। रामकृष्ण धाकड़ के अनुसार बीते रात 8 बजे अपने घर के बाहर के दरवाजे बंद करके सो गया था। इसी दौरान रात्रि करीब 11:30 बजे उसके घर के दरवाजे को तोड़कर पवन धाकड़ और उसके कुछ साथी खेरू यादव, केशव यादव, धनी राम जाटव निवासी ग्राम अमखेड़ा घुस आए थे, जिसके बाद एकाएक सभी ने मिलकर लाठियों से हमला बोल दिया। हमले में उसे बचाने आए उसकी माँ गणेशी बाई पर भी पवन धाकड़ के सहयोगी खेरू ने लाठियों से हमला बोल दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी दौरान उसके छोटे भाई राम भरत की पत्नी लक्ष्मी बाई भी उसे बचाने पहुंची थी, लेकिन पवन धाकड़ ने उस पर भी लाठियों से हमला बोल दिया, जिसके बाद उसे लाठी और डंडों से बेरहमी से पीटा गया। चीख पुकार सुन पड़ोस के रहने वाले मनीष धाकड़, देवेंद्र धाकड़, विकास धाकड़ उसके घर आए और बीच बचाव करवाया। तब कहीं जाकर पवन धाकड़ और उसके सहयोगियों ने उसे छोड़ा और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। रामकृष्ण धाकड़ ने हमले की सूचना तत्काल अपने सहयोगी सरपंच तोरण सिंह धाकड़ को दी। तोरण सिंह धाकड़ ने वाहन की मदद से वह अपनी मां को उपचार कराने बदरवास के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, जहां उसकी मां को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमले और हत्या की शिकायत रामकृष्ण धाकड़ ने बदरवास थाने में पहुंचकर दर्ज कराई। बदरवास थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। SDOP विजय यादव का कहना है कि बीते रोज दो पक्षों में दोपहर के समय ट्रैक्टर ट्रॉली की निकासी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष ने रात्रि के समय घर में घुसकर हमला बोल दिया। हमले में एक महिला की मौत हुई है। मामला दर्ज होने के उपरांत 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई विवाद नहीं है, अगर चुनाव कोई चल रहा हो तो मैं बोलूंगा नहीं। तो एक लड़ाई हो गई थी जिसमें एक धाकड़ महिला की मृत्यु हो चुकी है और इनमें रात में लगभग 11:30 बजे के लगभग लड़ाई हो गई थी, जिसमें FIR में 4 आरोपियों के नाम है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनपद नई जड़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनी जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतला विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।